आखिर वो दिन आ ही गया। आस्था जी, हमारे पल्लू की शादी होने जा रही है, विश्वास ही नहीं हो रहा। इतनी सी तो थी वो, और अब देखो बड़ी हो गई है, शादी कर रही हूँ। पर मैं डर रहा हूं आस्था जी, ये डर दीपिका के लिए कभी नहीं था, नहीं तनु के लिए, पल्लवी के लिए तो है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसके रिश्तों की बुनियाद शर्तों पे रखी गई है। एक तरफ ये शर्तें, दूसरी तरफ उसका प्यार। और आस्था जी, मुझे ना प्यार पे भरोसा है। कहने को तो आसान है कि 15 दिन हम यहां रहेंगे, 15 दिन हम वहां रहेंगे, लेकिन पल्लवी को निभाना पड़ेगा। ये पल्लवी का पापा फिक्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा आस्था जी? एक बात पूछूं आस्था जी, हमारी पल्लू कर पाएगी ना? गुड्डा गुड्डी दोनों एक साथ एक घर में। अच्छा ये बता, तू भी शादी करेगी? आपको छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगी पापा। सब अच्छा अच्छा सोचते हैं आस्था जी, सब भगवान के हाथ पे छोड़ते हैं। आज पल्लू की शादी है, कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए। पापा क्या सोच रहे हो, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं पापा, इतना पसीना आ रहा है आपको, क्या हुआ? ये ओके? बस गर्मी लग रही है और कुछ नहीं। हाँ, गर्मी तो अभी बढ़ने वाली है समधी जी, आग का गोला बनाया है सबके लिए कुसुम जी ने, इस बार प्लान फेल नहीं होगा। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Are you fine? हाँ? मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है और कुछ नहीं। Now I get it. पंद्रह दिन वाली बात से आप घबरा रहे हो ना? उसी बात से स्ट्रेस्ड हो ना? कभी कभी सोचती हूं मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, कहीं ये फिर से अकेले ना पड़ जाए। पल्लवी, मेरे लाइफ पार्टनर बनोगी? अपना प्यार जब खो जाता है ना, वो दर्द झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। हेलो, क्या हुआ? तेरी तो विदाई भी नहीं है। शादी तो हो रही है ना दी? पता नहीं क्यों, पर शादी का जोड़ा पहन के ना बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ।
यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटे, ये सोल्यूशन ठीक रहेगा? 15 दिन यहां 15 दिन वहां, मतलब पल्लू खुश रह पाएगी? पापा मैं इतना जानती हूं कि पल्लू ना आकाश के साथ बहुत खुश रहेगी। कैसी लग रही हूँ पापा? बहुत प्यारी। इन पटाखों से ज्यादा पटाखे तो अभी जयदेव जी के घर फटेंगे। रेखा जी, शादी की विस्फोट सामग्री कहां तक पहुंची? कुसुम जी, हमारा सेट किया हुआ बॉम्ब बस आने ही वाला है, देखना सही वक्त पर क्या जबरदस्त धमाका होगा। अंदर आइए। तुम मेरे साथ चल। नमस्कार जयदेव जी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। आप यहाँ? वैसे कैसा लड़का चाहिए आपको? एक छोटी सी बात, वो जो लड़का जो है ना, वो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। बहुत अच्छे। आपका फोन आते ही मैसेज कर दिया था। ये कौन है कुसुम? पता नहीं दीदी, मगर जहां तक मुझे लग रहा है ये बिचौलन है जो शादी फिक्स करती है। तो ये शादी इन्होंने फिक्स कराई है? ना ना, अगर की होती तो कहते ना, ये तो लव मैरिज है। अरे हाँ, ये तो लव मैरिज, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? जयदेव जी से पूछते। जयदेव जी, ये कौन है? जयदेव जी बहुत पहुंचे हुए जाने माने व्यक्ति हैं भाई। अब ऐसा भी कोई मुझे जानता नहीं। अरे अरे जयदेव जी, आप बहुत ही हम्बल हो, इसलिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रपोजल लेके आई हूँ मैं। किस
किस बात का प्रपोजल? आप जैसा अच्छा इंसान ना मैंने अपनी पूरी बिजनेस लाइफ में नहीं देखा। देखिए ये बातें हम फिर कभी करेंगे, इस वक्त मेरी बेटी की शादी होनी जा रही है। वही तो, आपकी बेटी की शादी है। यहाँ तो लोगों को लड़के ही नहीं मिल रहे, और आपको देखिए आपने तो दो दो लड़के ढूंढ लिए अपनी बेटी के लिए, और वो भी जो घर जवाई बनने के लिए तैयार है। ये बात सिर्फ हमारे परिवार तक रहे, बाहर दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू 15 दिन का घर जमाई। जयदेव जी देखिए प्लीज आप जरा धीमे बोलिए, और ये सब बातें मुझे अभी इस वक्त नहीं करनी प्लीज। मुझे किसी भी तरह इस औरत को चुप कराना ही होगा। समधी जी मुहूर्त के लिए लेट हो रहे। ओहो, तो आप है वो बड़े दिल वाली। अब चलिए प्लीज आइए। अरे 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 जयदेव जी मिल तो लेने दीजिए, कहाँ मिलते हैं ऐसे बड़े दिल वाले, जैसे आपने ना बड़े पुण्य किए होंगे। जी मैं समझी नहीं। अरे भाई किसी के 2-3 बेटे हो ना तो ऐसा करे तो भी मैं मानू, आपका तो इकलौता बेटा है फिर भी आपने उसकी शादी यहाँ तय कर दी। इसमें तो दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आपका दिल बहुत बड़ा है या तो फिर आपके बेटे में कोई कमी है। अरे अरे मैं ये ही नहीं कह रही कि आपके बेटे में कोई कमी है, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। जयदेव जी कौन है ये, क्यों है यहाँ, कुछ भी बोले चले जा रही। क्या बात है जी, लड़का तो देखने में बड़ा ही प्यारा है, वन पीस है, फिर भी घर जवाई बनने को रेडी हो गया। वाह बेटा, दीपू दी कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नीचे जाना चाहिए। नहीं नहीं पलू हर्ष नहीं, पापा है ना वहाँ, वो हैंडल कर लेंगे। संधी जी चुप कर आइए, इन्हें पैसे वैसे दे के निकालिए यहाँ से, ढिंढोरा पीट रही है बात पर। अरे अरे आपको बड़े दिल वाली क्या बोल दी, आपको लगा हमें पैसे चाहिए? ने जो बोला दिल से बोला। सुनिए जी इनका ये मतलब नहीं था। नहीं जी जब बात इन्होंने पैसों की करी है ना तो हमें झट से समझ आ गया। ओ जी आपने अपने दोनों बेटियों की शादी करके उन्हें ससुराल भेज दिया, अब बची आपकी तीसरी बेटी। आपकी तीसरी बेटी से अपने बेटे की शादी करके उसे घर जवाई बनाएंगी तो आपके घर और प्रॉपर्टी पे वो अकेला हक जमा सके। सही है, बहुत अच्छी डील की है मिसेस अवस्थी, आपने बेटे को बेच के प्रॉपर्टी कमा ली। ओ भाई ये तो वही बात हुई ना, एक पन दो काज, दहेज भी नहीं दिया और सब कुछ अपना। करुणा जी ये क्या, आकाश घर जमाई बनने वाला है? इतनी बड़ी बात हो गई, पड़ोसियों को पता तक ना लगने दी। आजकल कौन बताता है ये सब बात। अरे आप क्या बके जा रही हैं, ये क्या कह रही हैं आप, समझ में आ रहा है आपके कुछ? अन्ना जी मॉम दीदी दी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, पापा नहीं संभाल पाएंगे, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। नहीं पलू अब शगुन होता है। शगुन क्या दी, ये औरत पापा की भी बेइज्जती कर रही है और आकाश की फैमिली की भी। आकाश घर जमाई नहीं बन रहा है, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है 15-15 दिन की जो हम दोनों बांटेंगे, ये बात सबको बताना बहुत जरूरी है। पल्लू आपको ना कोई गलत फहमी हुई आंटी, मैं मानता हूँ कि पल्लवी ने शर्त जरूर रखी थी कि वो शादी के बाद अपने पापा का साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन तब तक वो मुझसे मिली नहीं थी। हम मिले, हमारे बीच में प्यार हुआ,
और पल्लवी ने अपनी शर्त हटा दी। आप पता नहीं कौन से जमाने में जी रही है। पल्लवी शादी करके यहां से विदा होकर हमारे साथ अपने घर जाएगी। ना मैं घर जमाई बनूंगा ना मैं अपना घर छोड़ूंगा। ये शादी बाकी शादियों की तरह ही होगी, सब कुछ नॉर्मल ही है इसमें। अभी नहीं हो गया आपका ड्रामा खत्म, तो प्लीज यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे। अरे अजीब बात है, पहले खुद बुलाते हैं और जब आ जाती हूँ तो खुद ही भड़क रहे हैं। पर मैंने तो इन्हें नहीं बुलाया था। दीदी एक ही बात मुझे बार बार खटक रही है, उस औरत को ना आपकी बेइज्जती करने के लिए बुला गया था यहाँ। जो भी किया हो पर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा था, दो टुक जवाब देकर सीधा कर दिया सब, साबित कर दिया कि उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं है उसके लिए। मेरी बेइज्जती नहीं होनी थी, अपना वादा निभाया। जो एक डर मन में इतने दिन से था वो आज दूर हो गया। शादी के बाद पत्नी और माँ के बीच का फर्क हमेशा बना रहेगा और मैं हमेशा पहले पायदान पर रहूंगी। ये तो तमाशा उल्टा पड़ रहा है। घर जमाई वाली बात पूरी दुनिया के सामने आती तो इनकी नाक कटनी चाहिए थी। इस आकाश ने तो सारा गेम ही पलट दिया। चलिए शादी की रस्में शुरू करते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं जयदेव जी, कोई कुछ भी आगे बोल जाए इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप ये हाथ हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप पल्लवी को बुलाइए। चलिए जो जिम्मेदारियां पल्लवी अपने पापा के लिए ना उठा पाए उन्हें मैं निभाऊं, और जो चीजें मुझसे हमारे घर में छूट जाए उन्हें पल्लवी पूरा करे। जिम्मेदारियां आधी आधी बांट लेंगे तो शायद पूरी जिंदगी साथ में जी सकेंगे। पल्लवी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टास्क। मुझे पता है ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन ट्रस्ट मी हम मैनेज कर लेंगे। हाँ मानता हूँ कि पल्लवी ने शर्त जरूर रखी थी कि वो शादी के बाद अपने पापा का साथ नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन तब तक वो मुझसे मिली नहीं थी। हम मिले, हमारे बीच में प्यार हुआ और पल्लवी ने अपनी शर्त हटा दी। पल्लवी शादी करके यहाँ से विदा होके अपने घर जाएगी, मतलब हमारे साथ जाएगी। आकाश ने झूठ क्यों बोला होगा, हमने जो फैसला लिया वो गलत नहीं है। क्या आकाश को इस बात से शर्मिंदगी है? अगर ये सच है तो क्या वो 15-15 दिन के हमारे इस फैसले को दिल से नहीं निभा पाएगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.